हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब सर्वर। दोस्तों, एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है THDC टेहरी हायर डेवलपमेंट एंड रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे डेप्यूटी मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर के पदों पे सर 1,60,000 जॉब टाइप परमानेंट रहेगी। ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर पाएगा। डायरेक्ट जो है इंटरव्यू बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए, सारे डिटेल हो जाने के दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, TSDC इंडिया लिमिटेड जो कि शेड्यूल है मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया PSU है, रिक्रूटमेंट है यहाँ पे फिलिंग अप एग्जीक्यूटिव पोस्ट टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल रेगुलर बेसिस पे देख सकते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है 17/7 की। आगे बढ़ते हैं, सारे डिटेल जानेंगे। यहाँ से स्टार्ट होता है मैनेजर E5 जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है। तो आपको दिखाते जाते हैं असिस्टेंट मैनेजर E3 ग्रेड वाली फुल टाइम। अगर आपने दो पोस्ट है, BBTech कर रखा है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल EE 60% मार्क के साथ, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे, जिसकी IDA जो है 50,000 से लेके 1,60,000 के बीच। अगर आपने प्राइवेट सेक्टर में कर रखा है तो 12 लाख का LPA होना चाहिए। ध्यान रखेंगे एक्सपीरियंस जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफिसर एक्सपीरियंस पावर सेक्टर का हो PSU का हो आप अप्लाई कर सकते हैं। उनको प्रायोरिटीज मिलेगी जिन्होंने बिट मैनेजमेंट पावर सेक्टर में काम किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो है डेप्यूटी मैनेजर E4 ग्रेड की फुल टाइम माइनिंग में आपने BTech कर रखा है और आपके पास सर्टिफिकेट है DGMS वाला, 5 ईयर एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर E3 ग्रेड में 5 पोस्ट है, अब माइनिंग में आपने कर रखा है और आपके पास DGMS सर्टिफिकेट और 1 साल का एक्सपीरियंस है सेम जो कि बोला गया है। फिर आते हैं सीनियर मैनेजर, इसमें 13 साल का एक्सपीरियंस इसको नहीं करेंगे दोस्तों। मैनेजर वाला इसमें 9 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। मैनेजर E5 में भी 9 ईयर का एक्सपीरियंस है। असिस्टेंट मैनेजर E3 ग्रेड का ये वाला देख सकते हैं आप, जिसमें सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और MTech डिग्री है आपके पास, आपको प्योरिटी दी जाएगी, 1 साल का एक्सपीरियंस जो है बोला गया है। असिस्टेंट मैनेजर E3 ग्रेड में एक UR एक OBC है, BBTech इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं 60% मार्क के साथ, ठीक है। 1 साल का एक्सपीरियंस हो सेम एग्जीक्यूटिव लेवल का और आपने OEM ऑफिसर वर्क में किया, आपको प्योरिटी मिलने वाली है। कॉपरेशन प्लानिंग में बात करें तो मैनेजर वाली पोस्ट है यहाँ पे। आते 23 नंबर वाली जो है, इसमें देख सकते हैं E3 ग्रेड की जॉब है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल एक्सपीरियंस पे इसके लिए ही रहना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एक ST के लिए है, जिसमें आपका रेगुलर डिग्री है। ध्यान रखें डिग्री आपकी रेगुलर हो, डिस्टेंस वाली ना हो। जिन्होंने BTech प्लस डिप्लोमा कर रखा है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो वैकेंसी है E3 में वो भी जो है SC के लिए है। तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग निकाली गई है। एक UR के लिए है, सेम EC इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। फिर हैं देख सकते हैं UR में जो है इलेक्ट्रिकल वाले भी है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर हैं यहाँ पे एक OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए है। असिस्टेंट मैनेजर जो है वन UR के लिए मैकेनिकल के लिए दोस्तों, 1 साल का एक्सपीरियंस OEM में। फिर है एक असिस्टेंट मैनेजर OBC के लिए है यहाँ पे दोस्तों, देख सकते हैं। बातें हैं सारी पोस्ट की मैंने बता दी असिस्टेंट मैनेजर वाली, तो मैक्सिमम एज देख लीजिए यहाँ पे जो असिस्टेंट मैनेजर वाली है 32 ईयर OBC है, 3 साल की छूट मिलेगी। SST 5 साल की छूट आपको एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से मिलने वाली है। सेक्शन की बात करें तो बोला गया पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू होगा, ध्यान रखेंगे। और 50% क्वालिफिकेशन परसेंटेज मार्क्स है OBC के लिए, 30% SST के लिए है। सब सारा जो मेरिट जो है आपका इंटरव्यू बेसिस पे डिपेंड करेगा, फेस टू फेस इंटरव्यू होगा, ठीक है दोस्तों। तो लिंक मैं दे दूंगा, आपको ईमेल ID मोबाइल नंबर ध्यान से भरना है, गलती मत करिएगा, वरना अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आ पाएगा दोस्तों। तो स्केल पे देख लीजिए काफ़ी अच्छा रहने वाला E3 ग्रेड के लिए, 60,000 से लेकर 1,80,000 तक रहेगा आपका, काफ़ी अच्छा पे कर रही है कंपनी। इसके अलावा जो है बेसिक पे DA प्रिक्वेशन अलावेंस, ठीक है, एज पर 35% बोला गया है। बाकी PF वगैरह भी आपका कटने वाला है। प्लेसमेंट ऑल इंडिया में जहाँ जाएं इनके TSDCIL के हैं आप वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। 17/7 से लेके फॉर्म लगभग 1 महीने रहने वाला है, ध्यान रखेंगे। कोई भी क्वेरी हो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं इनको, TSDCRecruitment@TSDC.co.in पे। अप्लाई करने का लिंक जो है बोला गया वैलिड इंटर ईमेल आईडी मोबाइल नंबर होना चाहिए स्कैन एंड अप्लाई करने का, ठीक है। तो ध्यान से फॉर्म की गलती मत करिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और देखिए बोला गया जनरल OBC EWS कैंडिडेट जो है 600 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस देना होगा। SC ST के जो है एक्सेप्टेड है, यानी उनको कोई फीस नहीं लगने वाली है। तो आपको ऑनलाइन SBI पर जाना होगा फॉर्म भरने के लिए, PSU सेलेक्ट करना होगा फॉर्म भरने के बाद, और आपको TSDC इंडिया लिमिटेड टाइप करना होगा तो आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा 600 रुपये का। तो जो है 16/8 को ये फॉर्म बंद हो रहा है, 16 अगस्त तक से पहले आप अप्लाई कर लेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों, जय हिंद जय भारत।